बदायूं की विधानसभा 117 दातागंज क्षेत्र के जीते ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों का भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप और क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने सभी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं सांसद ने सभी प्रधानों व बीडीसी सदस्यों को बताया कि जनता ने आपको जो गांव के विकास की जोर दी है उसको आप प्रगति देने का काम करें और गांव का विकास करें जिससे जनता आपसे हमेशा खुश रहे। उन्होंने ग्राम प्रधानों से कहा कि जो गांव में परेशान और गरीब व्यक्ति हो उनका आप विशेष ध्यान रखें तो वो गांव आपका भी हमेशा ध्यान रखेगा। इस मौके पर विनय कुमार सिंह, धीरज सक्सेना, धर्मेंद्र गुप्ता, अनेक पाल सिंह, अनिल गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। इस चुनाव में विजयश्री दिलाने का काम किया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि जिस तरीके से जनता ने विश्वास के द्वारा आपको भेजा है, आप सबका भी दायित्व है कि हम अपने अपने जिम्मेवारी अपने अपने गांव को एक अच्छा स्वरूप देने का काम करें। और मित्रों, मैं अधिक तो नहीं कहता लेकिन इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि इनमें कोई पुराने प्रधान हो, पुराने बीडीसी हो तो आप उनसे वार्ता कर लीजिए। विगत 4 वर्षों में मेरे द्वारा और उससे पहले सांसद जी के द्वारा किसी के गांव में कोई इंटरफियर्स हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक ने नहीं किया। खुली छूट दी कि आपको गांव की जनता ने प्रधान और क्षेत्र पंचायत बनाया है तो आप गांव का विकास करिए, बिना भेदभाव के करिए। इससे पहले भी सांसद और विधायक रहे थे यहाँ पर। अगर पुराने कोई प्रधानगण हैं, पुराने बीडीसी के लोग हैं तो उन्हें मालूम है कि किस तरीके से उनके यहाँ उनके गांव में कहीं साइन बोर्ड के लिए पैसा भेजा जाता था, कभी पेड़ लगाने के नाम पर पैसा भेजा दिया जाता था, उनके कामों में दखल दिया जाता था। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि कोई एक भी ग्राम प्रधान चाहे किसी भी पार्टी दल का हो, मेरी विधानसभा में ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा कि जो ये कह सके कहीं विधायक जी ने किसी काम के लिए हम पर दबाव दिया है, सांसद जी ने दबाव दिया है, आपको स्वतंत्रता के आधार पर काम करने का अवसर दिया है। और मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप भी बिना भेदभाव के जिस तरीके से मैंने प्रयास किया है, मेरे सांसद जी ने प्रयास किया है, आप अपने गाँव के विकास का एक खाका बनाने का काम करें। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चाहे किसी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, आपके गांव की योजनाओं को जो मेरे से सहयोग हो सकता है, जो मेरी सीमाओं में है, जो आदरणीय सांसद जी की सीमाओं में है और जो सरकार की सीमाओं में, वो आपको देने का प्रयास है। किसी दिन बैठे गए क्योंकि ये कोई पार्टी का सम्मेलन नहीं बुलाया, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी, जो जन प्रतिनिधि चुने गए उनके सम्मान और स्वागत के लिए कार्यक्रम था। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, अगर आपको आगे जाना अपने गांव की तरक्की करनी है तो हमें भेदभाव भूलना पड़ेगा और जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारा गांव, हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र कैसे उन्नति करे, कैसे तरक्की करे। क्योंकि हर गांव को तरक्की करेगा तो हमारी विधानसभा तरक्की करेगी और जब विधानसभा तरक्की करेगी तो पार्लियामेंट तरक्की करेगी और हमारा भी सर गर्व से ऊंचा।